फ्यूचर कंज्यूमर के लिए एक और बुरी खबर आई है। वन ऑफ देयर डायरेक्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। साथ साथ में कंज्यूमर बिजनेस में थोड़ा सा चैलेंज आएगा। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स गिर रहे हैं अप्रैल महीने में, उसका प्राइमरी रीजन है, यहां पर दो फोल्ड अटैक हो रहा है कस्टमर्स के ऊपर। सबसे पहले महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, और उनकी सैलरी कम होती जा रही है, स्पेशली रूरल एरिया में, तो वहां पर इनको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बड़ी चीज ना लेके छोटी छोटी चीज ले रहे हैं कम बजट में काम करने के लिए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट काफी बढ़ गई है, डिमांड इज गोइंग टू स्लो डाउन, जो फ्यूचर कंज्यूमर के क्वार्टर रिजल्ट पर भी दिखाई देगा आने वाले समय में, जिसकी वजह से थोड़ा चैलेंज होगा। फ्यूचर ग्रुप, पांचों कंपनी मर्ज होकर FEL में मर्ज होंगी, जो ये पांचों लिस्टेड कंपनी है, इसके अलावा कुछ अनलिस्टेड कंपनी भी मर्ज होंगी यहां पर। अगर हम बात करें जो इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जूड लिनहेरी जी, इन्होंने पौने चार साल तक का काम किया है फ्यूचर कंज्यूमर के साथ में, शुरू से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह से काम कर रहे हैं। अब ये रिजाइन कर चुके हैं इफेक्टिव 15th of April। ये एक चैलेंज होगा इन कंपनी के लिए, 3.5 साल की सर्विस है फ्यूचर रिटेल और रिलायंस फ्यूचर कंज्यूमर का। अगर आपको पता है तो दोनों कस्टमर, फ्यूचर रिटेल सबसे बड़ा कस्टमर है, रिलायंस सेकंड नंबर का कस्टमर है। अब फ्यूचर रिटेल की चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, उनके स्टोर बंद हो गए, तो वहां से उनकी डिमांड कम होगी, जो फ्यूचर कंज्यूमर को भी डिमांड कम रखेगा। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस थोड़े नीचे रहेंगे इस बार यहां पर कंपनी के लिए। ये हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है, आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दिखाई है, और साथ साथ में अब यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के लिए डील होना ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन रह गया है, अदरवाइज ये यहाँ पर चैलेंज होगा। NCLAT का एक्सपेक्टेशन है कि 24 तारीख को जब वोटिंग रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर इसका डिसीजन भी आएगा। अब ये चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि डिले पे डिले होता जा रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप की वैल्यू कम होती जा रही है, और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने NCLT के लिए भी यहाँ पर कर दिया है। एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो अप्रैल 24 से पहले NCLT का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर हमारे हिसाब से फ्यूचर कंज्यूमर और रिलायंस अब जो 60% स्टोर ले चुका है, तो फ्यूचर कंज्यूमर पर Q1 रेवेन्यू पर इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के सबसे ज़्यादा उनके पास ऑर्डर आते थे। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज था जिसकी वजह से मार्केट में नीचे गिर रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 18 रुपये के आसपास इसका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये ऑफिशियल लेटर निकाला है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और साथ साथ में सिंगापुर को भी इन्होंने भेजा है ये। अगर फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर यहां पर अभी के रेट में, तो इसका 4.75 रुपये के आसपास भाव चल रहा है फ्यूचर कंज्यूमर का, और ये अब अगर थोड़ा सा लंबे चार्ट पर देखें तो 50-डे मूविंग एवरेज 6.30 रुपये के आसपास है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर चैलेंज रहेगा, और उसके ऊपर जाने के बाद फिर ये अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर हमारे पेड मेंबर बनने हैं तो एडवांस लेवल ले सकते हैं। प्लीज़ कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत।